एटा के सकीर थाना क्षेत्र के करमपुर गांव के समीप तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राइवेट बस एटा से मैनपुरी जा रही थी। हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सकीट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को एटा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 महिलाओं की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा कि एटा से मैनपुरी जा रही प्राइवेट बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। यात्रियों का कहना है कि बस का चालक शराब के नशे में था और तेज रफ्तार बस ऑटो को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सकीट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटों के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। पीछे बीच में खड़े थे, मुझे नहीं मालूम सकीट से गाड़ी स्पीड से चली आगे। तो भट्टा विक्रम पर साथ भट्टा है, वहाँ दो झोंके लगे इधर से उधर, दो झोंके लगे इधर से उधर, दूसरे झोंके में गाड़ी नीचे आ गई आधी दूर पर आधी। कितने लोग थे इसमें बस में? 60-65 लोग। कितने? 60-65 ना। अच्छा, पूरी कोई गिनती नहीं? गिनती नहीं। कितने घायल कितने हुए होंगे? घायल कितने हुए? घायल तो बता नहीं सकते कितने हुए, देखा ही नहीं है। अपने मरीज को देखा है? अपने पांच को देखा, बस ज्यादा को नहीं देखा, अपने मरीज को देखा है। अच्छा, वजह क्या रही है हादसे की, वजह क्या रही है इसके? मैं तो बीच डर सक रहा, मैं तो सकीट रुकी रही दस पंद्रह मिनट, ये तो नहीं मालूम दाढ़ी उठी रखी या क्या। जब एटा से चले तो सही थी, जब सकीट से जब स्टार्ट करी। अभी तक जो हमें पता चला है कि सकीट ऊंचा रोड पे बस ऑटो बचाने के चक्कर में पलट गई है, और हमारे पास सकीट बीएससी से रेफर हो गए, कुछ केस आ रहे हैं, अभी तक 7 केस आ चुके हैं, जिसमें 3 महिलाएं जो हैं उनकी थोड़ी चोट ज़्यादा है, 1 सीरियस, बाकी बच्चे हैं, बच्चों को ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं।